ये तीनों बंदे मेरे साथ हमने इकट्ठे काम किया, अलग अलग तरीके के काम किए, और काम करने के बाद इनकी ग्रोथ ये है कि अपने मर्जी के घर में और मर्सिडीज गाड़ी में रह रहे हैं। ये टीएफ तो एक ऐसी तोप चीज है कि जो बहुत ही छोटे किराने का सामान बेचता था किसी टाइम पे, और बड़े छोटे काम से निकल के थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा काम करना शुरू। इसके पास रेंटल इनकम भी इतनी ज्यादा है कि बैठ के 6 पुश्ते भी खा लेंगी तो भी नहीं खत्म होगा। दोस्तों, राजगन सिंह मोहाली प्रॉपर्टी गुरु चैनल में स्वागत। और आज का जो टॉपिक है मनी मेकिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, मैंने 6 बंदों के नाम लिखे हैं जो 6 बंदे मेरे बहुत ही क्लोज रहे, और 6 के 6 बंदों के बारे में कुछ बातें अलग है जो हमने इस वीडियो में सीखनी है कि हमने कौन सा बनना है। ये मिस्टर कमल, मिस्टर टीएस और मिस्टर AK-47, ये तीनों बंदे मेरे साथ हमने इकट्ठे काम किया है। तो ये सबसे पहले इनकी बात करें, इनके पास बहुत छोटी सी दुकान थी शीशे की, किसी टाइम शीशे की दुकान थी, और उससे निकल के इन्होंने अपने काम को बड़ा किया, अलग अलग तरीके के काम किए, और काम करने के बाद इनकी ग्रोथ ये है कि अपने मर्जी के घर में और मर्सिडीज गाड़ी में रह रहे हैं। ये मर्सिडीज गाड़ी इनके पास और मर्जी का घर है। तो दूसरा टीएस तो एक ऐसी तोप चीज है कि जो बहुत ही छोटे किराने का सामान बेचता था किसी टाइम पे, और बड़े छोटे काम से निकल के थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा काम करना शुरू किया। बड़ा काम करने के बाद आज इसके पास अपनी मर्सिडीज गाड़ी के साथ साथ एक ड्रीम हाउस है, जिसको मतलब पूरा मैं ये समझ सकता हूँ कि हर बंदा चाहेगा कि मेरे पास ऐसा घर रहे। और AK-47, इसका तो मुकाबला ही कोई नहीं। ये दोनों में ये टीएस है जो इसके पास रेंटल इनकम भी इतनी ज्यादा है कि बैठ के 6 पुश्ते भी खा लेंगी तो भी नहीं खत्म होगा। AK-47 ये भी बिल्कुल साइकिलों की दुकान थी किसी टाइम, साइकिलों की दुकान करते करते कभी ठेकेदार बन गया, कभी चक्की लगा ली, कभी इधर चला गया, कभी उधर चला गया। आज इसके पास मर्सिडीज गाड़ी के साथ साथ इतना बड़ा घर है कि उस मतलब उस शहर में, मोहाली शहर में उससे बड़ा घर ही नहीं किसी। इसको हम AK-47 प्यार से या मजाक से 47 कहता था, उम्र में मेरे छोटा है। तो ये बंदे की बात तो ये है कि इन्होंने 0 से हीरो का सफर तय किया। अब ये तीसरे दूसरे तरफ आते हैं प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार एक ऐसा बंदा था जो 92 में रियल स्टेट का कारोबार करता था, और इसके पास इतना पैसा था, ये लोग मेरे को बताते हैं कि ये बेड पे पैसे बिछा के सोया करता था। ये नहीं कि सेफ्टी की पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेरा पैसा चोरी ना हो जाए, नहीं, मतलब पैसे को देखने का नजरिया अलग था कि पैसा क्या चीज होती है, कुछ भी नहीं, पैसे के ऊपर सोना। यदि पैसे की सेफ्टी का बात आती तो बैंक में जमा हो सकते थे, लॉकर में रखे जा सकते थे, कहीं घर में अलमारी बना के रखे जा सकते, नहीं, ये बेड पर बिछा के और उसके ऊपर सोता था। और आज ये बंदा कहीं भी नहीं है, पता ही नहीं, नाम ही नहीं पता कहां है। इसके साथ के बंदे जो इसके पार्टनर थे उनके पास मर्सिडीज गाड़ी है और बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। उन्होंने इतना पैसा कमाया कि अपने जो साथियों के साथ है, मतलब वो मतलब अपने परिवार की जिम्मेवारियां बहुत अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। और इस बंदे के पास ऑलरेडी सब कुछ था, तो आज ये 0, मतलब पता नहीं अंडरग्राउंड है, कहाँ है कहाँ नहीं मेरे को पता नहीं अभी, मतलब ये जीवित भी है या नहीं है इसका पता नहीं। लेकिन जिस बंदे के साथ ये काम करता था वो बहुत छोटे लेवल का काम था उसका, और बहुत छोटे लेवल से वो बहुत आगे निकल गया और ये बहुत पीछे चला गया। दूसरे नंबर पर सुशील कुमार ने लिखा है, वही 5 करोड़ वाला। ये आप कहोगे बार बार इसी के रोने रोते रहते हो, भाई रोने नहीं रोना, ये मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट मनी मेकिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ। जिसने मनी पैदा कर लिया और जिसने इन्वेस्ट करके कहां से कहां पहुंच गई है, देखो ये यहां से यहां तक। तो एक बंदे अपने पास ऑलरेडी इतना पैसा है कि उसके ऊपर सो रहा है, तो सोने के बाद 0 हो गया। बताओ इस बात को क्या क्या समझे हम इस बात को, इस बात से शिक्षा लेने की जरूरत है या नहीं है। ये नंबर 2 सुशील कुमार, तो फिर मैंने फिर पहले बोला ये कोई करोड़पति वाला 5 करोड़ वाला, ये भी बिल्कुल 0 हो गया, ये सारे को ग्राफ नीचे आया। और ये तीसरा राम कुमार, ये बलूट का बंदा,
और इसके 2/9/2008 को इसने 2,06,00,000 रुपए आया था इसके अकाउंट में, और आज इसके बाद मेरे को नहीं लग रहा 2,00,000 रुपए भी होगा, 2,00,000 क्या मेरा कर हो सकता है कर्जे में। मनी इज एक्सीलेंट सर्वेंट बट ए बैड मास्टर, ये कहा जाता है। मनी को यदि आप काम पे लगा के रखोगे तो आपके लिए काम करेगा, आपका आपकी तरक्की कराएगा, आपकी प्रगति कराएगा, आपकी उन्नति कराएगा, आपको हर तरीके का आराम देगा, क्योंकि नौकर है आपका। यदि आपने पैसे को अपना मालिक बना लिया, मनी इज एक्सीलेंट सर्वेंट बट ए बैड मास्टर, यदि आपने पैसे को अपना मालिक बना लिया, अपना बाप बना लिया, तो फिर ये हम तो नहीं है। बेड पे सो रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई जा रहे हैं। एक कल ही मैंने कहीं वीडियो सुन रहा था साइकोलॉजी ऑफ मनी के ऊपर, कि एक आदमी टेक्नीशियन, उनके जानते हैं कि टेक्नीशियन कहीं काम करता है और खूब पैसा कमाता है, खूब पैसा कमाने के बाद वो सोने के सिक्के मंगवाता है, सोने के सिक्के मंगवा के उसको फेंकता है पानी में कि देखते हैं कहां तक जाता है, अपने दोस्तों को लेके जाता है, सोने के सिक्के फेंकता है। ऐसा बंदा कितनी देर सर्वाइव करेगा? पैसे को लेके आपका एटीट्यूड क्या है, इसके ऊपर आपकी ग्रोथ, आपकी खुशहाली, आपके मन की शांति डिपेंड करती है। यदि आपकी मन की शांति भंग होगी तो आपके पास जितना मर्जी पैसा हो तो उसका फायदा नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप में से किसी की एक ऐसी आदत है तो उस आदत को चेंज कर लो। यदि आपकी पहले आज ये पोजीशन है और यहां से आपने यहां आना है, इस तरीके से काम करना है, तो फिर इनको फॉलो करो। छोटी छोटी चीजें जिंदगी में बहुत बड़ा प्ले करती हैं। यदि आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ अच्छी हो सकती है, आप अच्छे लोगों में बैठने के काबिल हो सकते हो, आपकी समाज में इज्जत होती है फिर जब आपके पास पैसा आता है। मैं बार बार कहता हूं कि जिस आदमी के पास धन है और वो धनवान है, और जो धन चला गया तो फिर धनवान की बजाय वो निर्धन हो जाता है, निर्धन इज इक्वल टू निधन। ये देखो ये हालत, मतलब कहीं जो जहां भी इनकी हालत थी उससे कहीं नीचे चले गए। अब मनी मेकिंग तो हो गया इनका, मनी तो इनके पास आया था, आ गया, लेकिन संभाला नहीं गया, मनी मैनेज नहीं किया गया, मनी को अपने पास नहीं रखा गया, मनी को मल्टीप्लाई नहीं किया गया, मनी को इन्वेस्ट नहीं किया गया, और फिर नतीजा आपके सामने। आज के लिए इतने, बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होंगे, तब तक आप चैनल के साथ बने रहें, सीखते जाएं, पढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। आप हमने मिलजुल के काम करें। थैंक यू वेरी मच।